अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट फयाज अहमद लंजवानी और आप देख रहे हैं लंजवानी टेक चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी किसी भी वाईफाई से कनेक्टेड मोबाइल को ब्लूटूथ के जरिए किस तरीके से शेयर करते हैं, किस तरीके से आप दूसरे मोबाइलों पर यूज़ कर सकते हैं। इसी वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं, बल्कि आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप किसी भी कनेक्टेड मोबाइल को जो वाईफाई से ऑलरेडी कनेक्टेड हो उसको ब्लूटूथ के जरिए दूसरे मोबाइल में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ से आप मुस्तफीद हो सकें। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। सो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास जो मोबाइल में जिसे वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास नेट ऑन है और इसकी हॉटस्पॉट भी खुली हुई है, और इसके बाद यहाँ पे मेरे पास साल दो मोबाइल पड़े हुए हैं। दोनों पे आपने क्या करना है, दोनों की सेटिंग में जाना है। दोनों की सेटिंग में जाने के बाद आपने क्या करना है, दोनों के ब्लूटूथ के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे दोनों को ब्लूटूथ को ऑन कर लेना है, जहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ऑन है, और यहाँ पे आपने दोनों के पेयर यहाँ पे अवेलेबल डिवाइस आ रहा है और यहाँ पे पेयर डिवाइस आ रहा है। दोनों पे आपने यहाँ पे आपने इसको पेयर करना है और वहाँ पे आपने उसको वहाँ पे भी पेयर करना है, यानी कि आपने यहाँ पे और आपने आपका वाईफाई कनेक्टेड है वहाँ पे आपने क्या करना है, मोर के ऑप्शन में जाना है। मोर के ऑप्शन में जाने के बाद आपने यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है थेंटरिंग एंड पोर्टेबल हॉटस्पॉट, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे ब्लूटूथ थेंटरिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आपका जो वाईफाई है या आपका मोबाइल है उस यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे दोबारा से अगर आपके पास पेयर नहीं हो रहा तो यहाँ पे आपने दोबारा से इसको पेयर करना है, यहाँ से भी और यहाँ पे भी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्टेड शो हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है हमारा जो ब्लूटूथ से, यहाँ पे ये भी हो गया है और यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा जो ये शो हो रहा है यहाँ पे, मैं जो भी चीज़ यहाँ पे ओपन करूँ, तो यहाँ पे बिल व्हाट्सएप ओपन करूं या कोई भी चीज़ ओपन करूं, मैं ये प्ले स्टोर ओपन करूं, मैं प्ले यहाँ पे प्ले स्टोर पे क्लिक करता हूं, यहाँ पे मैं आपको डेटा दिखा देता हूं कि डेटा यहाँ पे डेटा से हमारा जो नेट है कनेक्टेड नहीं है या ना ही हॉटस्पॉट खुली हुई, यहाँ पे ब्लूटूथ ही शो हो रहा है कि आपको ब्लूटूथ से कनेक्टेड मोबाइल में यहाँ पे ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे वाईफाई जो पेयर है मेरे मोबाइल के साथ जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ से इसकी हॉटस्पॉट के साथ ये कनेक्टेड है और ये यहाँ पे ब्लूटूथ के ज़रिए नेट दे रहा है इस मोबाइल में। आप इस मोबाइल में जो भी चीज़ आप ओपन करें आप ओपन कर सकते हैं और ब्लूटूथ के ज़रिए आप इंजॉय कर सकते हैं। ये इस चीज़ की कब ज़रूरत पड़ती है, जब तब ज़रूरत पड़ती है जब आपके दोस्त एक किसी एक के पास किसी भी वाईफाई का पासवर्ड हो और आप को भी पता ना हो, आपके दोस्त को भी पता ना हो कि इस वाईफाई का पासवर्ड क्या है, तो आप अपने दोस्त से ब्लूटूथ के ज़रिए वही वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक करें। मेरी इस वीडियो का लाइक का टारगेट 1000 लाइक है, इंशाल्लाह पूरा कर देंगे। इसके अलावा मेरी इस वीडियो के हवाले से या मेरी किसी भी वीडियो के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो इसी वीडियो के नीचे मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, साथ ही हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।